नमस्कार, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा। गुरुवार को ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा। गुरुवार के दिन अगर भक्त विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं और गुरुवार के उपाय को करते हैं तो उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। गुरुवार को विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से की गई पूजा से विशेष लाभ मिलता है। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार भी माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गुरुवार को भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन अगर भक्त विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं और गुरुवार के उपायों को अजमाते हैं तो उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। आइए जानते हैं गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा कैसे करें और कौन से उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहले गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे और उसके बाद स्नान कर साफ कपड़े पहने। किसी चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को पीली चीजें अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को पीले फूल और पीले फल का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी को धूप व दीप दिखाएं। विष्णु जी की आरती जरूर करें। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। गुरुवार के कुछ उपाय। मान्यता है कि गुरुवार के दिन मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करने से लाभ मिलता है। इसी के साथ गुरुवार को माथे पर तिलक लगाना भी लाभदायक होता है। कहते हैं कि गुरुवार के दिन अगर धार्मिक पुस्तकों का दान किया जाए तो बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और शिक्षा में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। गुरु के दोष को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इसके साथ ही नहाते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गुरुवार का व्रत रखें और केले के पौधे में जल अर्पित कर पूजा अर्चना करें। कहते हैं कि ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावटों का समाधान होता है, तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। कुंडली में मौजूद गुरु दोष को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन विशेष रूप से सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गुरुवार के दिन ना तो किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। कहते हैं कि ऐसा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति खराब होती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। गुरुवार का व्रत करने वाले इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा जरूर सुने या पढ़ें। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और साथ ही साथ बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी भी कथा करें। इस दिन खासतौर से बृहस्पति देव की मूर्ति को विधि विधान के साथ किसी पीले वस्त्र पर स्थापित कर चंदन और पीले फूल से उनकी पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही प्रसाद में चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनना काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भाग्य उदय होता है। बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। थैंक यू।